क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? सुजल, मैं तुमसे... मेरा नाम सुजल नहीं है, मत बुलाओ मुझे इस नाम से। सुजल प्लीज, मेरी बात का विश्वास। मुझे तुम्हारी किसी बात का कोई विश्वास नहीं है। नहीं सुनना चाहता मैं ये नाम, नफरत है मुझे इस नाम से, नफरत। आज अगर मैं तुमसे दूर हूं तो सिर्फ इस नाम की वजह से, और तुम मुझे वही पहचान देना चाहती हो। क्योंकि यह पहचान तुम्हारी अपनी है सुजल, जिसे तुम मानने से इनकार कर रहे हो। प्लीज मेरा विश्वास करो सुजल, मैं झूठ नहीं बोल रहा। वो घर तुम्हारा अपना घर है, उस घर के लोग तुम्हारे अपने हैं। आज उन सबको तुम्हारी जरूरत है सुजल। सुजल, उनकी हर सांस सिर्फ तुम्हारे वापस आने की आस से जुड़ी है। आज भी उन सबको तुम्हारा इंतजार है। प्लीज सुजल, प्लीज घर चलो, उस माँ के खातिर जो हर रात तुम्हारे वापस आने का सपना देखती है, उस पिता के खातिर जिसकी हर बात में सिर्फ तुम्हारा जिक्र होता है, उस भाई के लिए जो अपनी बिग्बी की एक खुशी के लिए दुनिया की बड़ी से बड़ी खुशी कुर्बान कर सकता है। नहीं सुजल, मैं कुछ नहीं जानती, तुम्हें मेरे साथ घर चलना ही होगा। तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा, सबके पास चलो। तुम ही मेरे सुजल हो, अब भी तुम्हें महसूस नहीं होता। तुम कहते थे ना कि हम दोनों के बीच एक अनजाना रिश्ता है, जो हम दोनों के चाहते हुए भी हम दोनों को एक दूसरे से दूर नहीं होने देता था। सुजल, वो रिश्ता अनजाना नहीं बल्कि हम उस रिश्ते से अनजाने थे। तुम ही मेरे सुजल हो, प्लीज यकीन कर दी। दिया, चारू मैं बस कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आपको समझ गई, मैं सब समझ गई। वो क्या कहते हैं लोग, प्यार बांटने से बढ़ता है, शायद इसीलिए आपने मेरा ही प्यार बांट लिया। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। चारू मेरी बात तो नहीं दी, नहीं मत दीजिए मुझे ये झूठा दिलासा, मत बनाइए ये झूठे बहाने। आज सारी गलतफहमियां दूर हो गई। मुझे लगता था कि आप ही तुषार के नजदीक आना चाह रहे, लेकिन आज समझ में आ गया कि आप दोनों के बीच दूरियां कभी थी नहीं, वो तो मैं ही थी जो खुद आप दोनों के बीच आ रही थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, आज के बाद मैं आप दोनों के रास्ते में कभी नहीं, कभी नहीं। चारू रुको,
चारू अभी तुमने जो कुछ भी देखा वो सच नहीं है। पता है तुषार, तुम पहले शख्स जो आंखों देखी सच्चाई को झुठला रहे हो, लेकिन सच्चाई कभी नहीं छुपती, कभी नहीं। चारू, ये सब क्या है कशिश? क्यों कर रही हो तुम ऐसा? क्यों नहीं छोड़ देती मुझे मेरे हाल पर? कशिश, जब मैं तुम्हारा होना चाहता था तब तुमने मुझे कसम दी कि मैं चारू का बनकर रहूं, और अब जब मैं ये कसम निभाना चाहता हूं तो तुम ही मुझे सुजल का नाम दे रही हो। क्यों कर रही हो ऐसा? उस घर के लिए मेरी जो जिम्मेदारियां हैं वो मैं अच्छी तरह से जानता हूं। उसके लिए मुझे किसी सुजल के नाम के सहारे की जरूरत नहीं है। मैं तुषार हूं और तुषार ही रहूंगा। हां सुजल, तुम ठीक कहते हो, लेकिन मेरी मजबूरी का क्या? मैं तो हर तरह से हार ही रही हूं, फिर चाहे वो रिश्तों की लड़ाई हो या प्यार की। मार दो उसे। केले। Ah
सुजल कशिश कुछ नहीं होगा प्लीज डॉक्टर अब मेरा सुजल कैसा वो ठीक तो है ना डॉक्टर देखिए काफी खून बह चुका है हमें तुरंत ऑपरेशन करना होगा नहीं ऐसी कोई बात नहीं है मैंने नर्स से कह दिया है वो आपसे सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करवा लेगी सो वी कैन स्टार्ट ऑपरेशन इमीडिएटली डोंट वरी मैम इस पर आपकी सिग्नेचर चाहिए क्या ये मैम इसमें लिखा है कि ऑपरेशन के वक्त अगर पेशेंट को कुछ हो जाता है तो उसके लिए हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं होगा हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं मतलब क्या है आपका आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं
कागज का टुकड़ा है ना, ये कागज का टुकड़ा मुझसे मेरे सुजल को नहीं छीन सकता। कुछ नहीं होगा मेरे सुजल को, सुना तुमने? मेरे सुजल को कुछ भी नहीं होगा डॉक्टर। ये देखिए मैडम, ये पेपर्स पे साइन करने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप हमें इस पेशेंट का ऑपरेशन करने के लिए परमिशन दे रहे हैं। डॉक्टर ये पेपर सुजल। देखिए आप जितनी देर करेंगे पेशेंट को खतरा है, प्लीज साइन कर दीजिए आप। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।